गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द बोर्ड्स विच इज़ स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड्स। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चाहे बोर्ड हो या कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ये हर जगह इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि इससे लगभग हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। जैसे JEE हुआ, नीट हुआ, ये सारी कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है EMI, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये जो इंडक्शन है यानी कि इंडक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को दूसरे कॉइल या कोई लिंक्ड कॉइल में जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपने पास कोई कॉइल है। अब एक कॉइल में हम लोग लगा दिए गैल्वेनोमीटर। अब अगर हम क्या करेंगे, कोई मैग्नेट को जब मूव करवाएंगे या तो कॉइल की तरफ ले जाएंगे या तो कॉइल से दूर ले जाएंगे, या मान लेते हैं फिलहाल कुछ मैग्नेट को हम लोग कॉइल के पास लेकर आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपोज करने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जिसके थ्रू कॉइल में जो है एक करंट जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट को प्रोडक्शन करने का मेथड है। इसी मेथड से हम लोग आजकल जो देखे हैं जितने भी जनरेटर यानी कि जब कहीं से लाइन चला जाए तो ऐसे केस में हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। तो जो जनरेटर बनता है जनरेटर में इसी मेथड को यूज किया जाता है। जनरेटर में भी यही किया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम लोग इंजन यानी कि मशीन का हेल्प लेते हैं जो क्या करता है, रोटेट करवाती रहती है कॉइल को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन होता है यानी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले हम लोग इसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF जो है प्रोड्यूस होती है। लिंक्ड विद क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि ये एक ऐसी घटना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस्ड EMF को जनरेट करते हैं यानी इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस करते हैं, और यही फेनोमिना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा, जिसे ही इंड्यूस्ड EMF के थ्रू हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। और यही पूरा प्रोसेस, यही पूरा मेथड हम लोग डायनमो यानी कि जनरेटर में यूज करते हैं जिसके थ्रू हमें करंट मिलता है। यानी कि मशीन अगर रोटेट करते रहे, मशीन का जो रोटेशन क्या करता है, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है। कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होता है, मशीन इसको इस कॉइल को रोटेट कराते रहे जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड EMF ही वो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट में चेंज हो जाएगा। यानी EMF से ही तो करंट बनती है, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से EMF अपॉन रेसिस्टेंस जो कि करंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास खुद का एक कॉइल है, थोड़ा सा हम लोग ये प्रोसेस जान लेते हैं कि ये पूरे प्रोसेस में, और हमने फिलहाल कॉइल के पास कुछ भी नहीं रखा और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिए, और यहाँ पर जो है अब हम एक मैग्नेट ले आए हैं, मैग्नेट फिलहाल रेस्ट में, अभी मैग्नेट का कोई मोशन नहीं, और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ध्यान रहे, हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ पोल में इंटर कर जाती है।
अब ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने मूव करवाना शुरू कर दिया टुवर्ड्स कॉयल, यानी कि कॉयल की तरफ मैग्नेट को धीरे धीरे हम मूव करवा रहे हैं। जब हम लोग ये कॉयल को मैग्नेट की तरफ मूव करवाएंगे तो अब देखिए क्या होगा, क्योंकि जैसे ही मूव करवाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे मूव करवाएंगे, तो इसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉयल के अंदर इंटर करेगा धीरे धीरे। कुछ देर के बाद मान लीजिए ये कॉयल या ये मैग्नेट यहाँ आ जाएगा नॉर्थ पोल मूव करते करते, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंटर करेगा, तो इससे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जब ये मैग्नेट यहाँ था तो तभी इसके अंदर फ्लक्स जीरो था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, यानी कि फाई का वैल्यू जीरो था। लेकिन अब ये मैग्नेट जब यहाँ आया तो इसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आ गया यानी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो अब कि होगा क्या कि कॉयल जो है ना, कॉयल ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकना चाहेगा, कॉयल ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है ये ना बने, जिस कंडीशन में थे वैसे ही रहें। तो कॉयल जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने के लिए क्या करेगा, इससे अपोजिट एक नया करंट बनाएगा। यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल है तो कॉयल अपने आप को भी नॉर्थ पोल बना लेगा, अब इससे उल्टा फील्ड ये बनाएगा। यहाँ नॉर्थ पोल है तो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को रिपेल करने के लिए सेम पोल बनाना होगा, तो कॉयल भी अपने आप को नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कराएगा, यानी कि एक ऐसा करंट बनाएगा जो कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे, नॉर्थ पोल की तरह मैग्नेटिक फील्ड दे। एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कॉयल जो कि नॉर्थ पोल की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे। तो कॉयल ये जो है ऐसा करंट बना लेगा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा, यानी कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यही प्रोसेस, यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो फिलहाल अभी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं इसको, लेकिन हम लोग जो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही।